और अभी आई है फातिमा, उस दिन भी आई थी, मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, मुझे भूल गई थी, तो आ जाइए फातिमा। फातिमा के मैं करने लगी हूँ लैश, फिलहाल तो अभी बस स्टार्ट ही किया है, पूरा प्रोसीजर होने के बाद आपको दिखाऊंगी। और अभी जो है मैंने फातिमा का सेट जो है मैंने कर लिया है, इस वन थोड़ा सा हैवी किया क्योंकि ईद है, तो मैंने कहा ईद के मुताबिक से थोड़ा जो है अच्छा करके फिर लगाते हैं। फातिमा वो कैसी लग रही है लैशेस? लैशेस बहुत अच्छी लग रही है, मेरी आंखें नहीं खुल रही, हमने खुल ली, बहुत अच्छी लग रही है, वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। अच्छा ये नेल्स लगवाए तो नेल्स जो है आप देख सकते हो मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहे हैं, तो फातिमा कहती है मेरे नेल्स ठीक कर दो, मैं इसके जो है नेल्स ठीक कर दूँगी, बहुत ज़्यादा जो है ख़राब लग रहा है, इसको ठीक करके इसका सही से नेल पेंट अप्लाई करके मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कुछ भी नहीं, बस आप लोग व्लॉग देख लीजिएगा, इतना काफी है। अभी टाइम हो रहा है 4:22 और मैं जा रही हूँ काम पर, मतलब कि मुझे लैश रिफिल करना है, और उससे पहले जो है मैंने फातिमा की लैश की है वो आप लोग ये देखें। तो आज जो है 27 का रोजा, मैंने रोजा रखा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैंने सैरी नहीं किया, मुझे सुबह जाके पता चला कि आज जो है मतलब याद था रात को, फिर मतलब मैं दिमाग से निकल मैंने रोजा रखा और मैं सो गई और फिर मैंने सैरी नहीं की, कोई है कोई नहीं, आज का मैं इंपॉर्टेंट सा रखा रखी, अभी थोड़ा सा वीकनेस फील हो रही है। दिस इज माई बैग और बस जल्दी से चलते हैं। इन्होंने ऐसे काली की हुई ना पता नहीं जैसे कोई जानवरों की दीवार है। तो वहाँ से लैश करके घर वापस आ गया, मेरे पास ही छुटकी थी, थकी हुई हो, क्या काम किया है मामा ने काम किया। तो अभी जो है ये हमारी इफ्तारी है और अभी हम इसका इफ्तार करेंगे। तो अभी भाई मैं और नैना दोनों आए थे यहाँ पर खाना खाने, कैसी लगी बिरयानी? हाँ अच्छी लगी। अब इसके बाद कहाँ जाएगा? कौन सा काम? लैशेज वाला, उसके बाद ब्लॉग कौन बनाएगा, यूट्यूब फैमिली को एंटरटेन कौन करेगा बताओ? खाना खाने के बाद मैं आ गई थी मामा के सैलून में, मामा के क्लाइंट्स आए हुए थे और मामा ने भी लैशेज करवानी थी, और मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, यहाँ पर जो है मैं सो गई थी, मैं बस वीडियो बनाया जिसके बाद मुझे नींद आ गई थी। और यहाँ मैं हाथ दिखा दी कि सुबह जो मैंने काम किया उसके बाद मेरे हाथों पे ग्लू लगा हुआ था, और मैं यहाँ पे आके लेटी हुई थी, आगे जो है क्लाइंट से काम कराया। खैर फिर मेरी क्लाइंट आ गई, फिर मैंने उनके लैश किए, ये उनका बिफोर लैश है और यहाँ पर जो है उनके लैशेज का प्रोसीजर चल रहा था। बाय द वे गाइस, मुझे अपने हेयर कलर 0% अच्छा लगा, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इंशाल्लाह सुन मैं इसको चेंज कर दूंगी। बहुत दिल करता है कि अब बस लास्ट डेज है, अब मैं बस रेस्ट करूँ, फिर मैं बस ये सोचती हूँ कि ना बस अभी कुछ ही दिन है काम कर लेती हूँ, उसके बाद तो है मैंने रेस्ट ही करना है। ऑफकोर्स सब चीज़ का मुझे ही सोचना है, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेहनत करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, और मुझे सच में काम करने के बाद अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है, मीन्स कि अच्छा लगता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ। हाँ, और उससे ज़्यादा अच्छा लगता है रेस्ट करना। बस अभी सिर्फ 7 डेज रहते हैं, उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा रेस्ट करूँगी, पूरे 2 मंथ मैं कोई काम नहीं करूँगी, कुछ भी नहीं करूँगी, आराम से सोऊंगी। और यहाँ पर जो है उनकी लैशेस लग चुकी थी, इनका हाइब्रिड और वॉल्यूम मिक्स था, उनको लगाने में काफ़ी टाइम लग गया था। फिर इनके पास जो है मैंने लगानी थी मामा की लैश, यहाँ की मामा की एक आंखी हो गई थी, दूसरी आंखी कर रही थी, उसके बाद मैं घर चली गई। तो काम से होकर मैं घर आई, सुबह से काम कर रही थी, बोल मेला पाला बेटा, इतना पाला बेटा, इसकी ना हर टाइम जबान बाहर निकली थी हर टाइम, और ये इतना लाडला है ना, मुझे तंग करता है, जब से ही आया इसने मतलब 1 रुपए का खर्चा होता ना, इस बच्चे ने 1 रुपए खर्चा नहीं करवाया खुद के ऊपर, पोटी भी खुद करता है, खाना भी खुद करता है, तो पाला बेबी है मेरा शहजादा बच्चा। शाहरुख को भेजते चपाती लेने के लिए, तो अभी तकरीबन 1.5 घंटा हो गया, पता नहीं कहाँ चला गया, और सुबह से काम कर करके मेरे मुझे इतनी भूख लग रही है, शायद वो अपनी मम्मी की तरफ चला गया होगा, वो बताना भूल गया होगा, तो बस मैं अपने लिए वाटर मैंने ले आई हूँ, उसको कट करके खा लेती हूँ। आज दूसरा दिन है, कल मैं बहुत थक गई, व्लॉग नहीं बना पाई, मैं सो गई थी, अभी जो है मैं वाटर मेलन खा ली, वाटर मेलन जब से मुझे इतना अच्छा लगता है ना, मतलब मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा, ये मेरा फेवरेट है, मतलब इसको जितना चाहूँ खा सकती हूँ, और बहुत मज़े का लगता है, हैवी नहीं लगता और बहुत मज़े का होता है। और अभी मैं ब्रांड लगी हूँ अपने लिए चटनी, शाहरुख कर देगा इसको ग्रैंड, क्योंकि मैंने सुबह से खाना नहीं खाया, 5 बज रहे हैं, उससे अच्छा मैं रोज़ा ही रख लिया करूँ क्योंकि इतना लेट हो जाता है डेली। और इसके अंदर जो है मैंने दही डाली, छोटे वाले में नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों नहीं रहा, इसको इसमें डाल दिया है दही, शायद थोड़ा सा ग्राइंड करना है। यहाँ पर जो है प्याज कट कर दी हूँ, ढक्कन ढक्कन भी देख लिया करो, बस 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 बस, फिर बैठ जाता बजाने, हलवा बना दिया उसका, क्या हुआ? इसको चलाने में मजा आता है। और अभी जो है मैंने कपड़े चेंज किए, ये बहुत फिटिंग में है, बट मैं क्या करूँ, और सब कपड़े जो है मुझे फुल फिटिंग हो गए, और बाकी सिर्फ 7 दिन ही रह गए, 8 दिन रह गए, तो मैं सोच रही मैं न्यू नहीं लूँगी, फिलहाल इन्हीं के साथ ही चलाते हैं हमारा 1 वीक, तो बस
अभी जा रही हूँ भाभी वालों की तरफ, उन्होंने कुछ चूड़ियाँ वगैरह मंगवाई हैं और कुछ काम था उनको, तो वो करके फिर वापस आते हैं। और अभी जो है हम लोग लेने आए हैं यहाँ से चूड़ियाँ, तो मेरा भाभी ने कोई मंगवाई थी उसने बोला कि लेकर, तो जिस कलर की उन्होंने चूड़ियाँ कही हैं वो मुझे यहाँ से मिल गई हैं। यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे झुमके हैं, रिंग्स हैं, सब कुछ हमें बहुत प्यारा प्यारा, तो ये उन्होंने कुछ बना के दिए और ये बहुत प्यारे लग रहे। पहले सिर्फ ये थे, अभी सिंपल ये बना के दिए हैं। कितने हो जाएंगे, कितने हैं? अरे ये है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये नैना यहाँ पर अपने लिए ले रही है चूड़ियाँ। और अभी मैं यहाँ से आई थी जूते लेने और मुझे एक जो है पसंद कुछ इस टाइप के थे, और यहाँ पर इतनी प्यारी इनकी कलेक्शन थी, मैं हमेशा यहाँ से ही लेती हूँ। इनका खुसा कलेक्शन और जो ये कोल्हापुरी, ये सब इनके पास इतने इतने अमेजिंग डिजाइन होते हैं, मैं हमेशा और बहुत सबसे अच्छी बात इनके कम्फर्टेबल बहुत होते हैं। और अगर आप लोग को भी इसको मंगवाना तो ये आप लोग यहाँ से जो है कर सकते हैं। और ये है इनका व्हाट्सएप नंबर, आप यहाँ से जो है इनका ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा सही है, व्हाट्सअप नंबर है इनका, आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। टू बी यूनिट्स में हमेशा यहीं से ही लेती हूँ। ये गल्फ में है इनका शॉप, मेट्रो शॉपिंग मॉल LG1 पर, शॉप नंबर LG1। तो आप हाँ जी, बहुत शुक्रिया। और अभी यहाँ से मैंने सामान ले लिया, जो चूड़ियाँ मैं ले रही थी वो मुझे मिली नहीं। शाहरुख जल्दी कर लो, चले घर। तो बाबर वालों ने घर से हो लिया है, अभी मुझे जाना है एक जगह पर काम करने के लिए, मतलब लैशेस करने के लिए। अभी उनकी कॉल आई है, मेरे इतना पेन हो रहा है, बट मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट कब की थी। तो खैर वहाँ पर चलते हैं। तभी हम आए भाई सी रॉक अपार्टमेंट। सी रॉक मतलब पत्थरों का, पानी का पत्थर है ना। हम लोग अभी जा रहे हैं 9th फ्लोर पे जा रहे हैं, क्योंकि नैना को बहुत ज्यादा खुश है। देखें इसकी शक्ल से, देखें पता लग रहा कितना खुश है। देख सकते हैं शक्ल से कितनी खुश हूं मैं। तो लैशेस मैंने लगा लिए हैं और जो है उन्होंने मुझे दिया है गुल्लू की ईदी। इतनी प्यारी है ये, अभी तक किसी ने गुल्लू की ईदी नहीं लेकिन उनको दी। ये वो है, ये ट्रीट है, ये हाँ। अरे मैं घर आई हूँ तो इसने जो है मेरे दुपट्टे को पकड़ के ये सोया हुआ है, इसको मेरी याद आ रही है। काफी टाइम आज बाहर रही हूँ तो मेरा बच्चा मुझे याद कर रहा था। आपको समझ में आ रहा है कोई मुझसे कितना प्यार करता है? ये देखिए, तो बोल कौन करता है भाई? ना ना नो, मम्मा को नहीं मारते, मम्मा को नहीं मारते। ये देखो, ये हमारे से प्यार करते। और इसी के साथ साथ करते हैं हम आज का व्लॉग यहीं पर एंड। आई होप आप लोग आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। बाकी जो है मेरी डिलीवरी में कितने नहीं, तब अगर आज आप लोग ये व्लॉग देखेंगे, बाकी रह गए हैं उसके 7 डेज। तो 7 डेज के बाद जो है मेरी डिलीवरी है, और 7th डे ही मेरी डिलीवरी होगी। तो बस आप सबसे गुजारिश है, मेरे बहुत सारी दुआ कीजिएगा। और बस कल जो है, कल इंशाल्लाह बेबी का बैग पैक करेंगे। आज नहीं हो पाया, पता नहीं मैं क्या होता जा रहा है, कल इंशाल्लाह करेंगे। और आप हर एक चीज़ शेयर करूँगी। और बस अल्लाह हाफिज़।